कई लोग मुझसे पूछते हैं कि स्पीकर कौन से यूज करने चाहिए। मैं कई बार उन्हें आंसर देता हूं लेकिन कई बार नहीं भी दे पाता हूं। आंसर नहीं देना मतलब मैं दे नहीं पाता हूं या मुझे आता नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका आंसर यह है कि शायद आपका सवाल रॉन्ग है। अब मैं आपको एक सिंपल बेसिक फंडा बताता हूं। कोई भी स्पीकर डिजाइन जब होता है तो वो उस पर्पस के लिए डिजाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए 15 इंच का स्पीकर मीड के लिए डिजाइन होता है, 18 इंच का बेस के लिए, 21 इंच का सब ऊपर के लिए और 12 इंच का फुल रेंज के लिए। आप इन्हें ऊपर नीचे करके यूज नहीं कर सकते। आप अगर चाहेंगे 15 इंच से मैं बेस निकालूं तो आप नहीं निकाल पाएंगे, 18 इंच का ही स्पीकर आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डीजे में लगाते हैं तो भूल जाइए कम वोल्टेज, 18 इंच में आपको 1000 से ऊपर वोल्टेज स्पीकर लेना पड़ेगा। 15 इंच में अगर आप लेते हैं मिड के लिए तो 300 वॉट कम से कम ले, मैं कहूंगा कि 400 वॉट लें ताकि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। और अगर आप एचएफ यानी फुल रेंज स्पीकर्स यूज करना चाहते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको 100 वॉट का एचएफ सजेस्ट करूंगा या मिनिमम 80 वॉट्स तो होना ही चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जान ही गए कि डीजे में क्या क्या लगता है, तो आगे की बात करते हैं आप बजट की। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस, जितना वोल्टेज का बेस यूज करते हैं, जितने वोल्टेज के स्पीकर्स यूज करते हैं, हमेशा 10-20% एक्स्ट्रा का एम्पलीफायर लगाएं और सेटअप को प्रॉपर मैच करें ताकि अच्छा बजे। मान लीजिए आपने दो बेस का सेटअप किया है, 1000 वॉट्स के स्पीकर यूज किए हैं और दो सिंगल वाले मिड यूज किए हैं, तो दो बेस का जो बजट होता है लगभग 35,000 से लेकर 50,000 तक होता है मीडियम बजट में। अगर आप आरसीएफ लेना चाहते हैं तो 1 लाख अबो जाएगा, अगर आप जेबीएल लेना चाहते हैं तो 2 लाख तक जाएगा। सिर्फ बेस की प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। इनके लिए लगने वाला एम्पलीफायर भी लगभग इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि अगर आपके बेस है 35,000 के तो आपको एम भी लगभग 35,000-40,000 का लग ही जाएगा उनको बजाने के लिए। अगर आप टॉप यूज करते हैं उस पर सिंगल वाले, तो सिंगल वाले टॉप का बजट 20,000 से लेकर स्टार्ट होता है, तो इसमें एंड नहीं है, 30-35 तक भी जा सकता है। लेकिन आप अगर इसमें डुअल 15 के टॉप लेते हैं तो इनका बजट 30,000 से स्टार्ट होके 50,000 तक जाता है, मीडियम रेंज की मैं बात करूं। अगर आरसीएफ लेंगे तो लगभग 90,000 से 1 लाख रुपीज तक जाएगा। अगर जेबीएल लेंगे तो 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। मान लीजिए आपने लाइन एरे ले लिया, तो लाइन एरे का मिनिमम से मिनिमम बजट में पकड़ूं तो 50,000 से लेकर स्टार्ट होगा। पेयर की बात करूं मैं हर चीज में, तो इसको 80,000-90,000 तक भी बैठ सकता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि आप एक्टिव वाला लेते हैं या पैसिव वाला। अगर आप एक्टिव वाला लेते हैं तो उसके अंदर एम्पलीफायर ऑलरेडी इनबिल्ट आता है, उसका प्राइस 80,000 से लेकर स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसमें नॉन एंडिंग होता है, 2,40,000 तक भी पेयर जा सकता है। लेकिन अगर आप उसमें पैसिव लेते हैं तो उसका मैं आपको बजट बता चुका हूं, 50,000 से लेके 80,000 तक आपका पेयर बैठ जाएगा। और अगर आप हेवी लेते हैं आरसीएफ या जेबीएल तो आपका बजट फिर से बढ़ता जाएगा। लेकिन बेस्ट रेकमेंडेड यह है कि अगर आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के बजट में हैं तो डुअल 15 के दो टॉप और सिंगल 18 के दो बेस ले लें, वो सेट आपका 1.5 से 2 लाख रुपए में बैठ जाएगा। अगर आपका बजट 3 से 3.5 लाख रुपए तक है तो सिंगल 18 इंच के 4 बॉक्सेस ले सकते हैं या डुअल 18 के 2 और डुअल 15 वाले 4 टॉप ले सकते हैं आप, जो आपके 3-3.5 लाख रुपए की पूरत कर देगा, उतने में बैठ जाएगा इजीली। अगर आपका बजट 5 से 5.5 या 6 लाख रुपए तक है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डुअल 18 के 4 बेस,
उसके साथ डबल 15 के चार बॉक्सेस, उनका सारा बजट 5 से 6 लाख रुपए तक बैठ जाएगा। लेकिन बेस्ट रिकमेंडेशन ये रहेगा कि डुअल 18 के चार बॉक्सेस के साथ आप लाइनर के चार बॉक्सेस कम से कम लें, ताकि आपका सेट दिखने में छोटा हो लेकिन बजट धमाकेदार। अब ये हुआ सिर्फ डीजे की बात, जितना बड़ा आपका डीजे उतना ही बड़ा आपको जनरेटर और स्टेबलाइजर भी लगेगा। अगर आपका 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट है तो आप मान के चलिए स्टेबलाइजर के साथ आपको लगभग 2.5-3 लाख रुपए तक खर्चा करना पड़ सकता है। 2 लाख का सेट हुआ, 75,000 में आपका स्टेबलाइजर और जनरेटर मिला के बन जाएगा। अगर आपका डीजे का सेटअप है 3 लाख रुपए का, तो आपको उसके लिए जनरेटर और जो स्टेबलाइजर है वो मिला के आपको 4 लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा, मे बी 4-4.25 तक। अगर आपका डीजे 6 लाख रुपए का है तो आपको वैन लगेगा, जनरेटर का जो वैन आता है वो, और उसके साथ आपको 2 स्टेबलाइजर यूज करने पड़ेंगे या तो फिर पावर डिस्ट्रीब्यूटर यूज करना पड़ेगा। तब आपका बजट लगभग 9 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। और आज के बजट की रेंज के हिसाब से मैं देखूं तो बेस्ट रिकमेंडेड जो रहेगा वो 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक पूरा सेट बैठने वाला जो डीजे रहेगा वो रहेगा, इंक्लूडिंग जनरेटर और स्टेबलाइजर। तो बेस्ट है कि इतने बजट में आप काम करें, ताकि आपको डेट्स अच्छी मिले और आपका बिजनेस भी अच्छा चलता रहे, कंपटीशन कम मिले। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दिस इज विक्रम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।